हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो मैं आपके लिए इस चैनल पर टेक्निकल अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे MI के न्यूली लॉन्च ट्रिमर के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह का वो ट्रिमर रहता है, किस तरह के फीचर्स के साथ आता है, क्या उसकी प्राइसिंग है, हमें खरीदना चाहिए या नहीं। साथ के साथ उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो जल्द ही आने वाली है क्योंकि मैंने उसको ऑर्डर लगाया हुआ है। जब भी वो आता है तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। साथ के साथ अगर मैं बताना चाहूँ कि MI ने एक और ट्रिमर लॉन्च किया हुआ है जिसकी प्राइसिंग अब है लगभग 1400 रुपये करीब। तो हम इन दोनों ही ट्रिमर का कंपैरिजन भी करेंगे और जानेंगे कि कौन सा ट्रिमर हमें खरीदना चाहिए या नहीं। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं इस ट्रिमर के बारे में जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है अभी, MI बियर ट्रिमर 1C। तो अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग है 999 रुपये, यानी कि 1000 रुपये, जबकि जो पुराना जो हमारा ट्रिमर था उसकी लगभग प्राइसिंग है 1400 रुपये। तो कम बजट में ये एक ट्रिमर लेके आए हैं ताकि हर कोई इस ट्रिमर को खरीद पाए। वो हालांकि इसमें थोड़े फीचर्स कम हैं, वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी कटिंग एलिमेंट के बारे में। तो इसके अंदर हमें सेल्फ शार्पनिंग स्टेनलेस स्टील के ब्लेड देखने को मिलते हैं जो अपने आप शार्प होते रहते हैं, जिसको हमें रिपेयर वगैरह कराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं बात करूँ कि कितनी लेंथ ये कटिंग कर सकता है, तो इसमें 20 एडजस्टमेंट दी गई हैं जहाँ से हम अलग अलग एडजस्टमेंट करके, इसमें एक बटन दिया गया है उसको रोल करके 20 अलग अलग लेंथ तक इस अपनी बियर्ड को ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसमें हमें जो रेंज है वो क्या मिलेगी, तो इसके अंदर मिनिमम हम 0.5 mm तक बियर्ड को ट्रिम कर सकते हैं और इसके अंदर हमें 10 पॉइंट देखने को मिलेंगे जिसको हम मूव करते हुए 5-5 या कि 0.5 mm तक आगे बढ़ते रहेंगे और हम 10 mm तक इसमें लेंथ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी चार्जिंग टाइम के बारे में, तो इसके अंदर हमें 2 घंटे चार्ज लगाना पड़ेगा इसको फुल चार्ज करने के लिए। और अगर मैं चलूँ इसके बैकअप के बारे में, तो अगर हम इसको फुल चार्ज कर लेते हैं एक बार तो ये हमें 60 मिनट का बैकअप दे देगा, यानी कि 1 घंटे का। तो वैसे तो एक बियर्ड को ट्रिम करने में 10 मिनट 12 मिनट लगते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ही पाओगे कि कितने मिनट तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 600 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसके डिज़ाइन के बारे में अगर बात करें, तो इसके अंदर हमें 3 इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती हैं जहां से हमें इसकी बैटरी लेवल पता चलता रहेगा कि कितना इसमें बैटरी हमारी बची हुई है पेंडिंग, क्या हमें इसको चार्ज लगाना चाहिए या नहीं, ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद कई बार हम ट्रिमर को कैरी भी करते हैं, कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो बैग में रखा है सूटकेस में, तो उसका बटन ऑन हो जाता है तो ट्रिमर चल जाता है, लेकिन इसके अंदर हमें ट्रैवल सेफ्टी लॉक दिया गया है जिस जो हमारे पास बटन है इसको ऑन करने वाला, उसको अगर हम 3 सेकंड तक दबा कर रखेंगे तो ये हमारा ट्रैवलिंग सेफ्टी मोड में चला जाएगा जिससे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी वाटर रेजिस्टेंट के बारे में, जो इसका पुराना ट्रिमर था हालांकि उसमें वाटर रेजिस्टेंट दी गई थी, IPX रेटिंग भी थी, लेकिन जो हमारा ये ट्रिमर है इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि इसमें वाटर रेजिस्टेंस रहती है नहीं। हालांकि ऊपर की तरफ से इसकी एडजस्टमेंट अलग हो जाती है, उसको उतार कर हम आसानी से क्लीन कर पाएंगे या फिर वो वॉशेबल रहती है। अगर मैं आगे बढ़ूं और बात करूं कॉर्डलेस यूज़ या फिर कॉर्ड यूज़ भी हम इसको कर सकते हैं, यानी कि चार्ज लगा के भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो इसको हम चार्ज हटा के ही यूज़ करेंगे, इसको हम चार्ज लगा के यूज़ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं एक्सेसरी के बारे में कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके अंदर हमें एक micro USB चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इस ट्रिमर को कहीं कैरी करते हैं और हमारा ट्रिमर डाउन हो जाता है तो micro USB का पोर्ट लगभग अवेलेबल हो ही जाता है हर जगह, तो इसको आसानी से चार्ज लगा सकते हैं, केबल कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें बात करूँ अडाप्टर की, तो इसके अंदर हमें कोई भी अडाप्टर देखने को नहीं मिलेगा। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉम की, तो इसके अंदर हमें सिंगल कॉम देखने को मिलेगा जिससे हम एडजस्टमेंट करके 20 लेंथ तक ही अपने बियर्ड को ट्रिम वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक हमें क्लीनिंग ब्रश मिलेगा जिससे हम इसके जो एडजस्टमेंट रहती है ऊपर की तरफ बाल वगैरह को साफ़ करने के लिए एक ब्रश देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक ट्रैवल पाउच है इसके अंदर हमें एक्सेसरी में मिलेगा जो वो कि हम कहीं भी अगर ट्रैवल करते हैं तो उसके अंदर हम रख के इस ट्रिमर को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक यूज़र मैनुअल मिलेगी जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है ट्रिमर को यूज़ करने में। तो कुछ इस तरह के हमारा ये ट्रिमर रहता है। अगर हम बात करें इसके वारंटी के बारे में, तो इसके अंदर हमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है जिसको हम आसानी से कहीं भी MI सर्विस सेंटर से क्लेम कर पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है।
तो कुछ इस तरह का ये हमारा ट्रिमर आता है कुछ इस तरह के फीचर्स के साथ। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा ट्रिमर आपके लिए होगा अगर आप कोई ट्रिमर खरीदने के बारे में सोच रही हो, क्योंकि मैंने जो इसका 1300-1400 रुपये वाला जो इसका मॉडल है ट्रिमर का जो पहले था वो यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ थी। ताकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आसानी से इस ट्रिमर को खरीद सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह का ट्रिमर रहता है। अनबॉक्सिंग भी जल्दी हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी, उस वीडियो को आप जरूर देखना। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।